पहले बहुत नींद आती थी और जी भर हंसता था। पहले बहुत नींद आती थी और जी भर हंसता था। अब सारी रात जागता हूं, अब सारी रात जागता हूं, रोना अब गंवारा है। ये जिंदगी का बदलाव तो मोहब्बत का इशारा है। हम बातें करेंगे दिल से आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारी सांस पे ये सारे खेल हैं। जीवन ऊर्जा प्राण पे भी संचालित है, श्वास पे भी। सांस चलती है तो हम कहते हैं व्यक्ति जिंदा है, सांस गई तो हम कहते हैं व्यक्ति भी गया। श्वास पे सब खेल है। श्वास से ही शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है। श्वास सेतु है, एक ब्रिज की तरह। इसलिए श्वास पे भी प्रयोग करके योगी जन उस परम अनुभूति को हासिल कर पाते हैं। श्वास या प्राण, उसका अपना प्राण योग है। इसके भी बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हम इन पे आज बातें करेंगे। मैं कहां लिखता हूं, लिखते तो हैं अल्फाज मेरे। मैं कहां लिखता हूं, लिखते तो हैं अल्फाज मेरे। मायने ढूंढ ही लेते हैं जर्रा नवाज मेरे। लाल स्याही के लिए हमने निचोड़ा खुद को। दिल के टुकड़े भी चीख के दे रहे आवाज मेरे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारे सांस की रफ्तार, हमारे श्वास की गति हमारे मन की दशा से बंधी हुई है। जैसा होता है हमारा मन, वैसी हो जाती है हमारे सांस की रफ्तार, हमारे श्वास की गति। जैसे होती है हमारे अंदर की हालत, श्वास के आंदोलन और तरंगे, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज बदल जाती हैं उसी हिसाब से जैसे हमारे अंदर की स्थिति होती है। श्वास की फ्रीक्वेंसी, श्वास की तरंगों का आघात खबर देता है मन की दशा कैसी है। अभी तो मेडिकल साइंस को बहुत सारी तरक्की करनी है, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस शरीर के पार नहीं हो पाई है। इसलिए अभी प्राण पर उसकी पहचान नहीं हो पाई। मेडिकल साइंस खून की गति को नापती है, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को, खून के दबाव को नापती है। जब तक पता नहीं था तब तक कोई खून के दबाव का सवाल नहीं था। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नई खोज है, ब्लड सर्कुलेशन भी नई खोज है। लेकिन 300 साल पहले यह किसी को पता नहीं था कि शरीर में खून चलता है। दोस्तों, बातें और भी करनी है। रात सोने से तेरी जुल्फ जो बिखर आई होगी, ऐ रूप सी हसीना, सुबह उठकर उस जुल्फ को तुमने संवारा होगा। रात सोने से तेरी जुल्फ जो बिखर आई होगी, ऐ रूप सी हसीना, सुबह उठकर उस जुल्फ को तुमने संवारा होगा। जुल्फ को संवार कर, चेहरा निखार कर, तुम किसी और को मिलने जाओ। जुल्फ को संवार कर, चेहरा निखार कर, तुम किसी और को मिलने जाओ। ये हमको न गवारा होगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 300 साल पहले किसी को पता नहीं था कि शरीर में खून सर्कुलेट होता है, दौड़ता है, चलता है। ख्याल था कि खून भरा हुआ है। ये किसी को पता नहीं था कि हमारे शरीर में खून सर्कुलेट होता है या दौड़ता है। इंसान के शरीर में खून भरा हुआ है जैसे बोतल में पानी भरा होता है। ये था ख्याल उस वक्त। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून चल रहा है, दौड़ रहा है, इसका किसी को पता नहीं था। दोस्तों, पता होता भी कैसे, क्योंकि हमें भीतर तो पता चलता नहीं कि खून सर्कुलेट हो रहा है या खून चल रहा है। खून के चलने का पता 300 साल पहले ही लग पाया।
नाकाम मुलाकातों को यहीं दफन कर दूं, दिल के टूटे अरमानों का कफन डालकर हो जाऊं आजाद इश्क की हार के सदमे से, हो जाऊं आजाद इश्क की हार के सदमे से, हारी हुई रूह में, हारी हुई रूह में जीने की चाह भर लूं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन का पता 300 साल पहले ही लग पाया, और जब ब्लड सर्कुलेशन का पता चला तो यह भी पता चला कि खून का जो चाप है, जो प्रेशर है, वो व्यक्ति के सेहत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्लड प्रेशर सेहत के लिए एक पैरामीटर बन गया, नापने की एक खास चीज बन गई, और किसी भी डॉक्टर के लिए ब्लड प्रेशर किसी के सेहत का एक सही यार्डस्टिक बन गया, एक मेजर बन गया। लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं जान पाए दोस्तों कि जैसे ब्लड प्रेशर है वैसा ब्रेथ प्रेशर भी है, वैसा ही वायु चाप भी है, यानी हमारी श्वास का प्रेशर भी है। वैसे वायु का ज्यादा दबाव और कम दबाव, वायु की गति और तरंगों का आघात भेद व्यक्ति की अंतर मनोदशा को बदल देता है, इंसान के मन की दशा को, मन की हालत को बदल देता है, वो उसकी जीवन ऊर्जा से संबंधित है। तकाजा ऐसा है कुछ नए हालात का, दिल को पता लगता नहीं दिन या रात का, मेरी वफा को झूठी बताता रहा दिल भर, मेरी वफा को झूठी बताता रहा दिल भर, मोल रहा न कोई सुलगते जज्बात का। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके सांस की रफ्तार चेंज हो जाती है, जब आप क्रोध में होते हैं आपके श्वास की गति बदल जाती है, वैसी ही नहीं रह जाती जब आप नॉर्मल होते हैं, जब आप एक नॉर्मल मूड में होते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्रोध में श्वास की गति बदलने की जरूरत क्या है? दोस्तों, इसका मतलब यह भी है कि अगर आप श्वास की गति पे काबू पा लें तो आप फिर क्रोध पे भी काबू पा सकते हैं। अगर श्वास की गति को न बदलने दें तो क्रोध आना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने सांस की रफ्तार को काबू में रखें, हमेशा नॉर्मल रखें, तो आप अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे भी आसानी से काबू पा सकते हैं। पहन के बिछुए पायल लगा महावर चलती हो, दीवाने का दिल पैरों से रोज कुचलती हो, हरे कांच की चूड़ी पहने गोरे हाथों में, मर जाएगा परवाना क्यों शमासी जलती हो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आप अपने सांस पे काबू पा लेते हैं तो आप अपने क्रोध पे भी काबू पा सकते हैं। अगर आप अपने सांस को नॉर्मल रखते हैं तो आप अपने गुस्से को भी काबू में रख सकते हैं। इसलिए जापान में वो बच्चों को घरों में सिखाते हैं, वो प्राण योग का ही एक सूत्र है। जापानी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम क्रोध मत करो, जापानी इस मामले में सबसे ज्यादा होशियार हैं और सबसे कम क्रोध करते हैं, सबसे ज्यादा मुस्कुराती कौम है जापानी, और इसका राज है प्राण योग का एक सूत्र। मां बाप बच्चों को परंपरा से घर में ये सिखाते हैं कि जब क्रोध आए तब तुम श्वास को आहिस्ता लो, धीमे धीमे लो, अपनी सांस को गहरी लो और धीमे लो, स्लोली एंड डीप, धीमे और गहरी। बच्चों को वो ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो जैसा कि हम लोग कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि अपने सांस पे काबू पाओ। क्यों होता है अक्सर जिंदगी ले जाती है उन राहों पे जहां पे बस मिलती है ठोकर किसी अपने की तलाश में।
क्यों होता है ये अक्सर जिंदगी ले जाती है उन राहों पे जहां पे बस मिलती है ठोकर, किसी अपने की तलाश में भटकता है मन दर दर, पर हर जगह से लौटता है ये मायूस होकर। क्यों होता है ये अक्सर, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सारी दुनिया कहती है क्रोध मत करो, क्रोध न करना, ये अपने हाथ की बात नहीं है कि आपने कह दिया और बच्चे ने मान लिया। और मजे की बात तो यह है कि जो बाप बच्चे से कहता है कि क्रोध मत करो, और अगर बच्चा अपने पिता की बात न माने तो बाप क्रोध करके बता देता है कि तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात। वो पिता भूल जाता है कि अब वो खुद वही बात कर रहा है जो अपने बच्चे को सिखा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सांस को, अपनी श्वास को अपने काबू में रखते हैं, उसकी रफ्तार को, उसकी गति को अपने काबू में रखते हैं, तो आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। आज तन्हा तन्हा सा मौसम है, इसी बहाने आज मुझे बहक जाने दो, आज मुझे बहुत प्यार करने दो। आज तन्हा तन्हा सा मौसम है, इसी बहाने आज मुझे बहक जाने दो, आज मुझे बहुत प्यार करने दो। छूट न जाए जिंदगी में कहीं साथ तेरा, इसी डर से मुझे अपने हाथ थामने दो, आज मुझे बहुत प्यार करने दो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जापानियों ने बिल्कुल ठीक समझा है योग का पुराना सूत्र। गौतम बुद्ध के जरिए जापान पहुंचा। गौतम बुद्ध ने श्वास पे बहुत जोर दिया। बुद्ध का सारा योग प्राण योग है, इसलिए बुद्ध के सूत्र की गहरी बात योग कही जाती है। आती जाती श्वास को देखना ही योग है, ये कहा था गौतम बुद्ध ने। अगर कोई आती जाती श्वास के राज को पूरा समझ ले तो फिर उसको दुनिया में और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जापानी अपने बच्चों को घरों में ये बातें सिखाते हैं। वो प्राणयोग का ही एक सूत्र है जो वो उनको सिखाते हैं। वो बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम क्रोध मत करो। जापानी इस मामले में सबसे ज्यादा होशियार हैं और सबसे कम क्रोध करते हैं, सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। जापानी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। जापानी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि श्वास को कैसे आहिस्ता लें, कैसे धीमे धीमे लें और कैसे अपने जज्बात पे काबू पाए। आंखों में सपने प्यार भरे, हमने पलकें मूंदी नहीं, कितनी रातें जागी हैं हमें कुछ पता नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा आती जाती श्वास को देखना ही योग है। अगर कोई आती जाती श्वास के राज को पूरा समझ ले तो फिर उसको दुनिया में और कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं योग समझ गया तो सब कुछ समझ गया। अब आप ही देख लीजिए दोस्तों, क्रोध आता है तब आप देखें कि श्वास बदल जाती है। जब आप शांत होते हैं तब श्वास बदल जाती है, रिदमिक हो जाती है। आप आराम कुर्सी पे भी लेटे हैं, शांत हैं, मौज मजे में हैं, आपका चित्त प्रसन्न है, आपका जी खुश है, पंछियों जैसा हल्का है, हवाओं जैसा ताजा है, आलोकित है, रोशन है, तब देखें श्वास ऐसी हो जाती है जैसे हो ही नहीं, पता ही नहीं चलता, बहुत हल्की हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। आसमां गर तो आंचल होता, चैन से फिर उसके नीचे सोता, दर्द भूल जाता कुछ देर के लिए, खुशियों का थोड़ा साथ होता, एक छांव हो जाती मेरी आंखों पे, सपनों में मैं थोड़ी देर खोता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी।
दोस्तों, हर पल हर घड़ी हर समय भीतर की स्थिति के साथ श्वास जुड़ी हुई है। अगर कोई श्वास में परिवर्तन करे तो भीतर की स्थिति में भी परिवर्तन की सुविधा पैदा करता है और भीतर की स्थिति पे नियंत्रण लाने का पहला पत्थर श्वास रखता है। प्राण योग का इतना ही अर्थ है कि श्वास बहुत गहराई तक प्रवेश किए हुए है, वो हमारी आत्मा को भी छूती है। एक तरफ शरीर को स्पर्श करती है, दूसरी तरफ आत्मा को स्पर्श करती है। एक तरफ जगत को छूती है बाहर और दूसरी तरफ भीतर ब्रह्म को भी छूती है। श्वास दोनों के बीच आदान प्रदान है पूरे समय, सोते जागते उठते बैठते। इस आदान प्रदान में श्वास का रूपांतरण प्राण योग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस। ख्वाब आंखों में था पर सबको दिखाया न गया, लब पे एक नाम था जुबां पे कभी लाया न गया। रंगे थे चाके जिगर से मेरे उसने अपने हाथ, पर हीना से मुझसे हथेली को सजाया न गया। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, जो लोग गहरा प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि श्वास बंद हो गई, चलती नहीं, तो फिर वो बहुत घबरा जाते हैं कि इससे कुछ खतरा तो नहीं। दरअसल घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। घबराएं तब जब श्वास बहुत जोर से चले, अस्त व्यस्त हो जाए, अपसेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तब घबराएं। जब बिल्कुल लगे कि ठहर गई, जब लगे कि श्वास का कंपन ही नहीं, श्वास के वाइब्रेशन ही नहीं, तब आप उस बैलेंस को, उस संतुलन को हासिल करते हैं। तब ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रह जाती है, और एक पल के लिए ठहराव आ जाता है, सब रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। न तो बाहर की श्वास भीतर जाती है, न भीतर की श्वास बाहर आती है, न ऊपर की श्वास ऊपर जाती है, न नीचे की श्वास नीचे जाती है। सब कुछ ठहर जाता है, सब कुछ रुक जाता है। ख्वाबों में हसीन जलवे अपने दिखाया न करो, मिलना नहीं तो ख्यालों में भी आया न करो। जितना मैं करता प्यार तुम भी करते हो मुझसे, खत लिख के झूठी कसमों से जताया न करो। ये है नारी 4.3 टू मैरो FM। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, श्वास के इस ठहराव के क्षण में परम अनुभव की किरण पैदा होती है। श्वास के इस पूरे ठहर जाने में अस्तित्व पूरा संतुलित हो जाता है, संयम को हासिल करता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं, कोई आंदोलन नहीं, फिर कोई परिवर्तन नहीं, कोई हेरफेर नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई गति नहीं। इस क्षण में आदमी परम गति में उतर जाता है, या शाश्वत में डूब जाता है, या इटर्नल से मिल जाता है, सनातन के साथ एक हो जाता है। श्वास का आंदोलन यानी हमारा परिवर्तनशील जगत से संबंध। श्वास का आंदोलन रहित हो जाना हमारा अपरिवर्तनशील जगत से संबंधित हो जाना है। इसलिए श्वास का ये ठहर जाना बड़ी अद्भुत अनुभूति है। कोशिश करके ठहराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोशिश करके कभी नहीं ठहरा सकते। अगर आप कोशिश करके ठहराएंगे तो भीतर की श्वास बाहर जाना चाहेगी, बाहर की श्वास भीतर आना चाहेगी। तन्हाइयों ने अक्सर ये बात कही है, तू पास यहीं फिर भी तू पास नहीं है। तन्हाइयों ने अक्सर ये बात कही है, तू पास यहीं फिर भी तू पास नहीं है। तू मुझ में है, मैं तुझ में,
तू मुझ में है, मैं तुझ में, ये महसूस करता हूं। मोहब्बत में हो जाती रूहें एक, मोहब्बत में हो जाती रूहें एक, ये बात सही है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कोशिश करके कोई व्यक्ति श्वास को रोक नहीं सकता, लेकिन हां, श्वास को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया जा सकता है, रिदमिक किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है एक लय के लिए, एक खास रिदम के लिए। और साथ में अगर कोई ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, प्राणायाम के साथ साथ ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, तो एक क्षण ऐसा आ जाता है कि श्वास और ध्यान की शांत स्थिति का कभी मेल, कभी ट्यूनिंग हो जाती है, तो श्वास ठहर जाती है। दोस्तों, आपने कभी अपने विचारों को रोकने की कोशिश की है? मजे की बात यह है दोस्तों कि जब श्वास ठहरती है तब विचार फौरन ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। बिना श्वास के विचार नहीं चल सकते। चांद है चांदनी रात है, चांद है चांदनी रात है, झील है वो शांत है, एक नौका में मैं और तुम, अक्षर में मेघों की ये कैसी बारात है, ये कैसी बारात है, अंतर में अवकाश की ये कैसी बात है। गुमसुम हो तुम आज, गमगीन हो तुम, विकल हूं मैं, उदास है पतवार, जरूर कुछ बात है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने विचार रोकने की कोशिश की है? दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मजे की बात यह है कि जब सांस रुक जाती है, ठहर जाती है, तब अचानक विचार भी रुक जाते हैं। बिना सांस के विचार नहीं चल सकते। इसे जरा देखिए, कभी ऐसे ही एक सेकंड के लिए आप अपनी सांस को रोक कर देखिए। अभी इसी वक्त आप कोशिश करिए, जस्ट ट्राई इट। एक सेकंड के लिए आप अपनी सांस रोक दीजिए। इधर सांस रुकी, भीतर आपके विचार रुके, एकदम ब्रेक। सांस बिल्कुल ब्रेक का काम करती है विचार पे। लेकिन जब आप ठहराते हैं तब ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। श्वास भी निकलना चाहेगी और विचार भी हमला करना चाहेंगे। गैप होगा लेकिन पल भर का। लेकिन जब सांस ध्यान के साथ साथ अपने आप ठहर जाती है तो कभी कभी घंटों ठहर जाती है। कांटों में उंगलियां चुभ ही गईं तो क्या हुआ, कांटों में उंगलियां चुभ ही गईं तो क्या हुआ, फूलों को सजा मत दो, फूलों को सजा मत दो, ये बड़े मासूम होते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने विचारों पे रोक लगाने की कोशिश की है? जब सांस रुक जाती है तब विचार भी फौरन ठहर जाते हैं। बिना सांस के विचार नहीं चल सकते। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आप एक पल भर के लिए, सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक दीजिए, आपके विचार भी फौरन रुक जाएंगे, ब्रेक लग जाएगी आपके विचारों को जैसे ही आप अपनी सांस रोक देंगे। विचार के बाहर हुए, निर्विचार में गए, ब्रह्म के दरवाजे पे खड़े हैं। विचार में आए, विचार में पड़े कि संसार के बीच आ गए हैं। संसार और मोक्ष के बीच पतली सी विचार की परत के अलावा और कोई फासला नहीं है। पदार्थ और परमात्मा के बीच पतले झीने विचार के पर्दे के अलावा और कोई पर्दा नहीं है। लेकिन
ये विचार का पर्दा कैसे जाए, इस पे बातें करेंगे। तुम्हारे साथ रात बहुत हसीन लगती है, चांद सी सुंदर मुझको ये जमीन लगती है। तुम्हारे साथ रात बहुत हसीन लगती है, चांद सी सुंदर मुझको ये जमीन लगती है। शर्म से फूल सभी फेर लेते हैं रुख, जब तेरे गालों की छोटी सी कली हंसती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ये विचार का पर्दा कैसे हटाया जाए, ये दो तरह से जा सकता है। या तो कोई सीधा विचार पे प्रयोग करे ध्यान का, साक्षी भाव का, तो विचार चला जाता है। जिस दिन विचार शून्य होता है उसी दिन सांस भी शांत होकर खड़ी रह जाती है। या फिर कोई प्राण योग का प्रयोग करे, श्वास का, श्वास को गति दे, ट्रेन करे, उसे एक सिस्टम दे, एक तरीका दे, और ऐसी जगह ले आए जहां श्वास अपने आप ठहर जाती है। बाहर की बाहर, भीतर की भीतर, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और बीच में गैप, बीच में अंतराल आ जाता है, खाली वैक्यूम हो जाता है जहां श्वास नहीं होती। वहीं से छलांग, दी जंप, उसी अंतराल में छलांग लग जाती है परम सत्ता की ओर, अपने ईश्वर की ओर, अपने खुदा की ओर, अपने रब की ओर, अपने झूलेलाल की ओर, अपने परमात्मा की ओर। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।